जो सेटअप है फाइनली देखिए कुछ इस तरह है। यहाँ पे हमारा मैप लगेगा, जीपीएस सिस्टम, बाप रे कितना स्टेडी है, हिल भी नहीं रहा पूरा बाइक इसके ऊपर। अभी तो गाइस फाइनली अभी हमारा सेटअप लग चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा अभी सेटअप दिख रहा है कैमरे के अंदर। सो हे गाइस वेलकम बैक टू रिचर्ड राइड। और अभी का आज का जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये हो रहा है हमारे बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए आज मैं आया हूँ पावर स्टोर ब्रदर कस्टम जो पे जो कि है मरोल में। और बेस्ट क्वालिटी का अगर आप काम करना है तो आप पावर स्टोर ब्रदर कस्टम में आप ज़रूर आइए। तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे गाड़ी के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे जो पीछे बैश प्लेट है, बैश प्लेट थोड़ा डैमेज हो गया था तो उस वजह से ना हमने उसके ऊपर थोड़ा फिक्स किया है कुछ इस तरह। यहाँ से नीचे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है और उसके बाद बाइक के आगे जो लाइक जहाँ पे फॉग लैम्प लगता है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो फॉग लैम्प मेरा ना बाहर था पहले, तो अभी वो स्ट्रेट अंदर करना है तो उसके लिए एक फिक्स करना है। प्लस हमने ना एक विंडशील्ड लिया है तो विंडशील्ड भी आगे लगेगा, उसके आगे मोबाइल माउंट लगेगा। तो ये हमारा आज के वीडियो का मेन टारगेट रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरी यहाँ पे फॉग लैम्प लगती थी तो मेरा इंडिकेटर लगने की वजह से ना इसको मैंने ना यहाँ से बाहर निकाला था। और बाहर निकालने के बाद है ना ये हर वक्त अगर कभी नॉर्मली भी गिरती थी तो पहले इसको नहीं, पहले मेरे फॉग लैम्प पे इसका इम्पैक्ट जाता था। तो अभी हम ना इसके लिए भी फिक्स करने वाले हैं एक आगे पोर्शन निकाल के इसके आगे, मतलब जैसे कि हमारा ये लाइट भी ना लगे और ये काम ईजीली हो जाए। तो इसके लिए भी देखते हैं आगे क्या है हम करने वाले फिक्सेस। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारा एक विंडशील्ड लगने वाला है जो कि थोड़ा टूरिंग वाला रहेगा, तो कुछ इस तरह मैंने एक विंडशील्ड लिया है देख सकते हो। सो ये विंडशील्ड यहाँ पे आएगा, फिर ये मोबाइल होल्डर जो लगा है वो यहाँ पर आना है और उसके बाद फिर हमारा ये पोर्शन रिलीज होगा और ये मोबाइल होल्डर यहाँ पर आने के बाद मोबाइल यहाँ पर लगेगा। तो लेट्स सी कैसे बनेगा क्या बनेगा, वीडियो में बने रहिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए मिले छोटम राइट। सो कुछ इस तरह लगेगा अभी हमारा ये लाइट देख सकते हो, अगर हमने हैंडल भी घुमाया तो भी ये लग नहीं रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा एक पट्टी लगा के अंदर से ये थोड़ा नीचे जाएगा और कुछ ऐसे लगने वाला है। सो गाइस हमारे ये जो टॉप बॉक्स की माउंटिंग प्लेट है इसके अंदर ना थोड़े क्रैक गए थे तो हमने उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे किया है, ये दो पट्टी लगाई, एक ये पट्टी है और एक ये पट्टी है और एक यहाँ से स्क्रू है, एक यहाँ से स्क्रू है। मतलब ये इतनी परफेक्ट हो गई है कि ये देखो यहाँ पे क्रैक हुआ था, इधर एक क्रैक हुआ था और यहाँ पे क्रैक हुआ था, पर अब ये कि यहाँ से भी परफेक्ट लगा है, यहाँ से भी परफेक्ट लगा और यहाँ से भी परफेक्ट लगा है। तो ये निकलना मुश्किल ही नामुमकिन है क्योंकि ये अगर प्लेट टूटा तो ही इसमें होगा, क्योंकि यहाँ से भी देखो पूरा लोहे का है ये पट्टी और ऊपर से ये भी लोहे का है। तो अभी का ये जो हुआ है काम काफ़ी बढ़िया हुआ है। सो गाइस फाइनली हमारा एक साइड का लाइट लग चुका है देख सकते हो, कुछ इस तरह लगा है यहाँ पे एक पट्टी लगी है, उस पट्टी के यहाँ पे ऊपर हमारा मेन लाइट और ये नीचे वाला टेम्पररी जो लाइट लगा है वो, और कुछ इस तरह भी ये व्यू है अच्छा है और इसके अंदर भी है देख सकते हो। अभी वहाँ का काम चल रहा है, सो फाइनली हमारा ये और वो दोनों रेडी हो चुका है देख सकते हैं। तो अभी कुछ इस तरह हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इसके ऊपर। सो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा मोबाइल होल्डर था वो ये पट्टी यहीं पे यूज़ हो रही है, यहाँ से लेके एक ऐसा जाएगा आगे कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर भी लगाया, तो कुछ ऐसे कुछ लगने वाला है। और यहाँ से बीच में से एक पट्टी लिया है जो कि यहाँ पे उसको लग रही है देख सकते हो, तो ये अभी सेंटर में हो गया, तो यहाँ से सपोर्ट और यहाँ से सपोर्ट। सो विंडशील्ड के सपोर्ट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ना जो हमारे बॉडी में चेसी के अंदर ना यहाँ पे जो स्क्रू होते हैं उस स्क्रू के यहाँ पे एक पट्टी लगाई है, पट्टी के यहाँ पे एक वेल्डिंग करके एक आगे पट्टी लगाई है, तो यहाँ से हमारा वो विंडशील्ड का उसको सपोर्ट मिलने वाला है। बस उसके बाद यहाँ से जो आगे से जो आएगा वो एक सपोर्ट रहेगा और यहाँ से सपोर्ट रहेगा, फिर हमारा यहाँ पे मोबाइल होल्डर आएगा। तो कुछ इस तरह हमारे बाइक का ये टूरिंग सेटअप होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो और ये सेटअप अच्छा लगा हो, वीडियो बने रहिए
और देखते आगे इस वीडियो को। सो गाइस अभी यहाँ पे ना प्रॉपर वेल्डिंग होने वाली है, तो कुछ इस तरीके से प्रिकॉशन लिया है गीला कपड़ा रख के, और ये रॉड जाएगा यहाँ पे यहाँ तक, तो अभी इसको यहाँ पे वेल्ड करने वाले हैं, यहाँ पे नीचे वेल्ड होगा। सो गाइस फाइनली हमारी बाइक ना रेडी हो चुकी है, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है बाइक, और बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए ना मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला, तो चलिए देखिए बाइक के चेंजेस को। सो पहले तो बात करेंगे हमारे इस लाइक फॉग लाइट के एक सेक्शन की, जो कि पहले हमारा ऊपर था, अभी इसको हमने नीचे कर लिया है और कुछ इस तरह अभी दिख रहा है हमारा ये फॉग लाइट। फिर ये जो प्लेट है ये भी आप देख सकते हो, अभी ये प्रॉपर पूरा कलर विलर करके कुछ इस तरह किया है, इसको हमने यहाँ पे नीचे दो पट्टियाँ लगाई है, यहाँ पे पट्टी लगी है और ये दो स्क्रू है, मतलब अभी हमारी ये पूरी प्लेट फिक्स हो चुकी है। और जो आज का मेन काम है वो था हमारा ये देख सकते हो, ये है विंडशील्ड जो हमने लगाई है, और विंडशील्ड की अगर बात करें तो देखिए इसके लिए कुछ इस तरह यहाँ पर हमने सेटअप किया है, यहाँ से एक रॉड लगाया, ये हमारा पहले जो मोबाइल होल्डर लगाया था उसी का ये पट्टी है, फिर यहाँ से ये पट्टी ये क्रॉड गया, और फिर जो हमने यहाँ पे मोबाइल होल्डर के लिए जो ग्रिप लगाई तो वो ग्रिप यहाँ पे, तो हमारा मोबाइल यहाँ पे लगने वाला है, और कुछ इस तरह का सेटअप है, और ये पूरा यहाँ पे इतना एक सेक्शन है। सो गाइस फाइनली हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा मोबाइल होल्डर, और ये पूरा जो सेटअप है फाइनली देखिए कुछ इस तरह है, यहाँ पे हमारा मैप लगेगा, जीपीएस सिस्टम, बाप रे कितना स्टेडी है, हिल भी नहीं रहा पूरा बाइक इसके ऊपर अभी, चलो देखते हैं राइड करके कैसा लग रहा है अभी आगे, चलो। सो पता नहीं अभी कैसे दिख रहा है कैमरे में, तो गाइस फाइनली अभी हमारा सेटअप लग चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा अभी सेटअप दिख रहा है कैमरे के अंदर। और मोबाइल को अभी हमने लगाया ऐसे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, मतलब सीधा रहे ऐसे रखते सीधा रहे, पता नहीं कैसे सीधा रहने के लिए। तो इसमें ना अभी हमारा आपको बता दूँ कि यहाँ पे मीटर भी दिख रहा है, प्लस मोबाइल होल्डर भी अलग लग गया है, और की निकालने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉपर अभी हमारा ये सेटअप रेडी हो चुका है। तो गाइस ये वीडियो यही तक का आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।